अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, इसका नाम है रॉयल एनफील्ड हंटर 350। गाइस इस गाड़ी का इंजन का मतलब इंजन का सीसी है अराउंड 349 सीसी का इंजन है ये, और इसका मैक्स जो पावर बीएचपी प्रोड्यूस करता है वो है अराउंड 22-23, टॉर्क आई गेस है 27 के अंदर। बट बाइक आपका बहुत चलाने में अच्छा है, और इसका जो टायर साइज़ है इस वाले वर्जन में इसका आगे का टायर साइज 110 है, 110-70 और है इसका R17। बोथ साइड मतलब बोथ टायर आपका R17 का है, और पीछे का है 140 सेक्शन का टायर, 140-70 R17। बहुत मैंने देखा है कि बहुतों का सीट हाइट का मतलब पूछते हैं, तो इसका सीट हाइट है 800 mm, और मैं अराउंड आप लोग मुझे पकड़ सकते हैं कि लाइक मैं 5'10" का हूँ, और मैं जब बैठता हूँ इसका ऐसे पोजीशन आता है, आप लोग देख सकते हैं मेरा पूरा पैर पूरा जाता है। सो आप इफ 5'8" 5'10" में हो तो आप लोग इजीली बैठ सकते हैं, और 5'5" 5'6" भी बैठ सकते हैं इजीली, मुझे लगता है, बिकॉज सीट हाइट इतना भी हाइट का इशू नहीं है। गाड़ी का जो मतलब जो आपको ये जो हैंडल बार मिल रहा है, ये आपका पकड़ लीजिए कि लाइक क्लासिक जो 350 है वो भी नहीं है, और मेटियो 350 ऐसा भी नहीं है। मेटियो 350 है आप लोगों का पकड़ लीजिए कि लाइक जो टूरिंग करता है, तो मोस्ट मतलब फोकस है टूरिंग बाइक में, और इस बाइक को मतलब बनाया गया है आपका सिटी में चलाने के लिए, बिकॉज इस बाइक का जो हैंडल का पोस्चर है आप लोग देख सकते हैं मेरा हाथ, सो ये बहुत ईजी वाला मतलब ज़्यादा एग्रेसिव नहीं, थोड़ा इजी वाला पोस्चर है, सो आप इजीली इस बाइक को मतलब सिटी में चला पाएंगे। सो गाइस आपका जो बेस वेरिएंट होता है जो रेट्रो वर्जन है, और इसमें आप लोगों को कुछ डिफरेंस आता है, जो बिकॉज इसका प्राइसिंग अप्रोक्स आप लोग पकड़ लीजिए 13,000-14,000 का डिफरेंस है। सो उस 14,000 के डिफरेंस में आपको क्या क्या चीज़ मिल रहा है इस गाड़ी में, मैं वो आपको बोल रहा हूँ। फर्स्ट आपको मिल रहा है इसमें डुअल चैनल एबीएस, जो आपका मेट्रो है, मेट्रो 2 वर्जन में आपको डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं इसके पीछे में भी एबीएस है, आगे में भी। जो आपका रेट्रो वाला आता है उसमें डुअल चैनल एबीएस नहीं है दोस्तों, मतलब उसमें सिंगल चैनल है, और बाकी में आपको नॉर्मल ब्रेक मिल रहा है, उसमें डुअल चैनल नहीं है। ये आप लोग याद रखिए कि जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको डुअल चैनल एबीएस नहीं मिल रहा है। और आपका जो सेकेंड वाला डिफरेंस है आपका वो टायर साइज़ है, इसमें है आपका 110 सेक्शन का टायर, और जो बेस वेरिएंट है उसमें आपको मिल रहा है 100 सेक्शन का टायर, मतलब थोड़ा छोटा साइज़ का टायर आप लोग को मिलता है। और थर्ड है इसका जो ग्रैब रेल है, ये आप लोग को मिल रहा है, देखिए आप लोग साइड का ऐसा मिल रहा है, उसका आपका जो बेस वेरिएंट है उसमें आपका मेटल का आता है, नॉर्मल थोड़ा क्लासिक लुक वाला, बिकॉज वो थोड़ा क्लासी है, सो इसलिए उसमें आपको थोड़ा मतलब क्लासी वाला थोड़ा मेटल का चीज़ मिल जाता है। और जो इंडिकेटर्स है इसमें आपको ये राउंड वाला इंडिकेटर मिल जाता है, उसमें नॉर्मल क्लासी वाला जो बुलेट में आता है वैसा वाला आपको मिलेगा। और बाकी कुछ डिफरेंस है तो मुझे इतना पता नहीं, मैंने जितना रिसर्च किया इतना आप लोगों को बोल दिया, मेरे हिसाब से 4 और 5 ही डिफरेंस होगा मैक्स टू मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और इसमें जो आपका ऑप्शनल GPS सिस्टम भी आता है वो आई गेस आपका मेट्रो में भी लग जाएगा, बिकॉज आपका सेम चेसी है और सेम हैंडल है, सो मोस्टली वो आपका GPS का एक्स्ट्रा आता है मेट्रो में जो आता है वो वाला इसमें लगेगा, और जो बेस वेरियंट है रेट्रो उसमें भी लग जाएगा। सो गाइस अभी आप लोगों को इसका जो एग्जॉस्ट का साउंड है वो आप लोगों को सुनाएंगे, बिकॉज इसका एग्जॉस्ट का साउंड बहुत अच्छा है, सो एग्जॉस्ट साउंड सुनाना तो बनता है। आते हैं इसका प्राइसिंग पे, सो ये जो हंटर सीरीज हंटर 350 का 3 आप लोगों को वेरिएंट मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो वेरिएंट है उसका नाम है हंटर 350 रेट्रो, सो उसका आप लोग पकड़ लीजिए जो प्राइसिंग, जो आपका एक शोरूम प्राइस है वो 1,49,900 रुपीज़, ये एक शोरूम प्राइस है, और ऑन रोड प्राइस आपका जगह डिपेंड अपॉन योर मतलब लोकेशन वो चेंजेस होगा, बट ये शोरूम प्राइस है मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद आता है आपका हंटर 350 मेट्रो, जो ये वाला सेक्शन का, ये दो बाकी जो है ये सेक्शन का गाड़ी है, ये मेट्रो आपका स्टार्टिंग होता है 1,63,000 से, और मेट्रो का और एक है मेट्रो रेबल बोल के और एक वेरियंट है, वो आपका अराउंड आता है 1,66,000 लाइक 300 रुपीज़। सो मेट्रो का दो वेरियंट में अराउंड 3,000 का डिफरेंस आ जाता है। सो गाइस अभी हम लोग इसको सिटी के अंदर ट्राई कर रहे हैं, कैसा मतलब चलाने में कैसा है वो आप लोग को दिखाएंगे, और गाड़ी तो इनिशियली बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत स्मूथ लग रहा है,
और इसका हैंडल के लिए इसको अभी देखते हैं सिटी में कैसे फिल्टर कर पाते हैं। और साउंड तो भाई कुछ दूसरा टाइप का है इस गाड़ी का, अभी ऐसा लग रहा है। और पिकअप तो हाँ ठीक है, पिकअप तो सुंदर है। फिल्टरिंग होता है, पावर कम है खाली। बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है गाड़ी, फिल्टर करने में तो मजा रहे ब्रो। और आई गेस इसका हैंडल बार के कारण ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा है गाड़ी को चलाने में। मेटियोर वर्जन लाइक होता है जो आपका उर्बन या सिटी के लिए है। ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है हमको जो लग रहा है, ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है। और मैं बोल रहा था मैं चला रहा हूँ ये हंटर 350 का, ये है मेटियोर वाला वर्जन। इसमें आपका स्पोक नहीं आता, इसमें आता है आपका एलॉय व्हील, बिकॉज ये जो बाइक है ये मेनली बना हुआ है आपका उर्बन राइडिंग के लिए। सो इसमें नहीं आता है आपका स्पोक, और इसका एक लोअर वर्जन है उसमें आता है स्पोक, और इसमें आता है एलॉय व्हील। और इसका जो टायर साइज है ये स्पोक वाले से थोड़ा बड़ा है, लाइक स्पोक वाले का फ्रंट का है आपका 100 सेक्शन का, और ये 110 सेक्शन का। और प्लस ये दोनों ही जो टायर साइज है वो 17 इंच का है। सो इस बार रॉयल एनफील्ड ने क्या किया है, जितना हो सके उन लोग ने एक नया एक कैटेगरी लॉन्च किया है फॉर द कस्टमर जो मतलब लाइक मेटियोर भी लेना नहीं चाहते, और जो लोग मतलब बुलेट या क्लासिक भी लेना नहीं चाहते उसके बीच में एक मतलब बाइक घुसा दिया है, ये है हंटर 350। और इसका ऑप्शनल बहुत चीज़ आता है, मुझे जितना पता है इसका ऑप्शनल एक नेविगेशन का सिस्टम आता है जो डिजिटल मेटियोर में होता है, वो वाला एक सिस्टम आप लोगों को मिल जाता है। और अभी इसमें कुछ लगा हुआ नहीं है बिकॉज ये टेस्ट राइड व्हीकल है, सो दैट आप लोग इसको मतलब इसका साइड में एक आपका नेविगेशन का सिस्टम भी लग जाता है। मैं आया हूँ आप लोगों को बोलना ही भूल गया, कोकराझार टाउन में, और इधर रॉयल एनफील्ड शोरूम बहुत हेल्पफुल था, वो लोग ने मुझे बाइक दिया है ये बाइक चलाने के लिए और इसको रिव्यू करने के लिए। और जितना हो सके मैं इसको चला के आप लोगों को बोलूँगा कि शुड यू बाय और नॉट। अरे 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 पावर तो है भाई, बट इतना नहीं है, इजीली 80 इजीली ये 4 नंबर गियर में। आराम से 80 90 100 भी क्रॉस कर देगा मुझे लगता है, पावर है। और इसका जो एग्जॉस्ट नॉट है बहुत मतलब अच्छा वाला एग्जॉस्ट नॉट है, आप लोग बोल सकते हैं बहुत सुंदर साउंड निकल रहा है स्टॉक वाले से। तो आप लोग आपको स्टॉक मतलब ऐसा बाइक चाहिए जिसमें आप लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे तो ये बाइक का आप लोग आके एक बार टेस्ट राइड ले सकते हैं। और आप लोग इसका आवाज़ भी सुन सकते हैं, बिकॉज मुझे तो बहुत फ्रेंकली बोलूँ तो मुझे बहुत ये साउंड बहुत अच्छा लगा, और ब्रेक तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऑफ रोडिंग कर लेते इसमें, जो स्टॉक्स जो साउंड है बहुत अच्छा है, और बहुत मतलब ऐसा नहीं कि बहुत लाउड है, बहुत बेसी साउंड है। सो आप लोग को ऐसा बाइक चाहिए जिसमें आप लोग मॉडिफाई नहीं करेंगे और स्टॉक साउंड मतलब अच्छा होने से आपको मैटर करता है, सो ये बाइक आप लोग देख सकते हैं और टेस्ट राइड लीजिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए। किसी बाइक को कोई ऐसे देख के कभी मतलब बाई मत कीजिए, मतलब आपके नियर बाई जितना भी शोरूम है रॉयल एनफील्ड का जाइए,
गाड़ी को देखिए, चलाइए, बैठिए, उसके बाद ही डिसाइड कीजिए कि आपको लेना है या नहीं। बिकॉज ये आपका पैसा है, आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आपके ऊपर है। बिकॉज ये बाइक मुझे जितना हो सके अच्छा लगा, ये है नॉर्मली आप लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मल यूज़र के लिए है, नॉर्मल जो डे टू डे कम्यूट करते हैं उन लोग के लिए है। सो ये एक अच्छा ऑप्शन निकला है बिटवीन द मेटियोर एंड द क्लासिक। इस मतलब ये बाइक को हंटर 350 को घुसा दिया है रॉयल एनफील्ड ने। सो मुझे तो लगता है ये रॉयल एनफील्ड का बहुत ज़्यादा अच्छा एक मूव है। बिकॉज ये एक दूसरा कैटेगरी का एक कस्टमर वो लोग मतलब अभी ढूंढ रहे हैं, उसको जितना लगता है ये डिमांड है उसको फी मतलब फुलफिल कर पा रहा है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो को आपको देख के कुछ आपको सीखने को मिला या कुछ जानने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए। और मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे बहुत सपोर्ट मिलेगा। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा और वीडियो को इधर ही एंड करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, राइड सेफ। Ай грибоя подра, за тме бала разум обивала музыканта, за мне мне я рядом был и верила, не горе я не сидела.